हम आए हैं दापोली बीच के, दापोली में कार्डे बीच पर। आज है हमारा डे 3 और यहाँ भी हॉर्स राइड हो रही है, जेट स्की चल रही है, वाटर स्पोर्ट्स है। हनाया को बहुत मज़ा भी आ रहा था, वो पहले सोकर आई थी थोड़ा गाड़ी में, सो शी इज़ क्वाइट हैप्पी नाउ, शी वांट्स टू वॉक। और वो इस रॉक पर बैठ के हमारे साथ मेडिटेशन कर रही थी, 5 मिनट्स तक किया एंड शी वाज़ डन विद हर मेडिटेशन। बस अभी उसे जानना है कि ये हल्का ब्लैक सैंड क्यों है, क्योंकि अभी तक उसने जो भी बीच देखे थोड़े वाइट सैंड के देखे। ये वाइट सैंड है कि ब्लैक सैंड अब तक समझ तो नहीं रहा है, बट ठीक है जो भी है, शी इज़ वेरी हैप्पी। ये बहुत ज़्यादा ही खुश है, अलग अलग एक्टिविटी होते हुए देख रही है। यहाँ तो काफ़ी कंपेरेटिवली क्लीन है दिव्येगढ़ से, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि दिव्येगढ़ बीच एकदम टर्न ऑफ था, तो मुझे लगा ओ इसके शूज़ निकल गए। अभी ये बोल रही है कि आप मुझे पहना सकते हो, मुझे पहनाना पड़ेगा। मैंने इसे शूज़ वापस पहना लिया है, तो ये वॉक कर रही है बीच वॉक। ओ माय गॉड शी इज़ वेरी हैप्पी, हाँ शी इज़ वेरी हैप्पी। आज सुबह सुबह तो बीच में भीग कर भी आई। अभी सोच रही मैं कहाँ जाऊँ, मैं पानी के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ऐसे लग रहा है यहाँ बहुत सारे मेडिटेटिंग पॉइंट बना के रखे हैं, जो ऑफ कोर्स रॉक्स है, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। हम थोड़ी देर बैठे भी थे ये रॉक्स पर मेडिटेट करने के लिए।